नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक स्वागत करता हूँ मैं आपका बायोजोम्स में और आज इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन के सबसे बेहतरीन टॉपिक सबसे फेमस टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे काफ़ी मज़ा आएगा काफ़ी इंटरेस्ट आएगा तो अगर आप नीट के स्टूडेंट है, तो हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है मास्टर्स एंड बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन सब्जेक्ट है शुरू करते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एंड ऑरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम को किस तरह से मेजर किया जो जियोलॉजिकल स्केल बना वो किस हिसाब से बना तो जितने भी लाइफ फॉर्म रिकॉर्ड हुए हैं और जितने भी इवेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं अर्थ की हिस्ट्री पर उस हिसाब से हमने या साइंटिस्ट ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डेवलप किया द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज रिकॉर्डेड ऑफ अ लाइफ फॉर्म एंड अ जियोलॉजिकल इवेंट इन दर्थ हिस्ट्री जितने भी इवेंट्स हुए हैं जितने भी लाइफ फॉर्म्स हुए हैं उनको सबको मिलाकर एक हमने क्या डेवलप किया है जियोलॉजिकल स्केल या जियोलॉजिकल टाइम स्केल डेवलप किया है साइंटिस्ट डेवलप द टाइम स्केल बाय स्टडिंग रॉक फॉर्मेशंस एंड फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे संसार में साइंटिस्ट जितने भी हमारे साइंटिस्ट अभी तक हुए हैं इकोलॉजी हैंजील्यूशन वाले या जियोलॉजी वाले उन्होंने क्या करा कि पूरे वर्ल्ड में घूम बहुत सारे रॉक्स की स्टडी करी फॉसिल्स की स्टडी करी और उन्हीं स्टडी से एक टाइम स्केल का निर्माण किया डेवलप किया एक टाइम स्केल्स को जनरली जो रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है वो हेल्प करती है डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट डिवीजन इन द टाइम स्केल तो ये था मेजरिंग टाइम अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि इोन सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट यूनिट है उसके सब यूनिट्स हैं आपकी ईरा और ईरा के सब यूनिट्स कह सकते हैं सब सब यूनिट्स है पीरियड्स और पीरियड्स के अंदर भी एक यूनिट आती है जिसको बोलते हैं इपॉक जिसकी बात करेंगे आगे बात करते हैं इोन्स की सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट जनरल डिविजन ऑफ टाइम ठीक है इोन्स भी दो भागों में बटा हुआ है एक को बोलते हैं क्रिप्टोजोइक एक को बोलते हैं फेनोलोजो क्रिप्टोजोइक को हम प्री कैम्ब्रियन भी बोलते हैं और दूसरा तो है फेनेरोजोइक अब एक ही है बट फेनोरोन के अंदर तीन बंदे हैं एक है हेडिन दूसरा है आर्किन और तीसरा है याद कैसे होगा याद करते हैं सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं प्री कैमरियन जो ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेटर है उसके नाम से हम याद कर सकते हैं यहाँ पर हेडन ब्रैंड करके नाम था उनका आर्कियन जो आर्चरी होती है जो तो हम जो गेम है हमारा आर्चियन तो वहाँ से हम याद कर रख सकते हैं इस चीज़ को और बात करते हैं प्रोटोरोजोइ तो हम यहाँ प्रोटीन से इसको मिला सकते हैं और याद कर सकते हैं प्रोटीन और प्रोटेरोजोइ काफ़ी सेम हो रहा है आगे के वर्ड बाद में तो जोइक लगाना ही है आपको और फिर आता है फेनारोजोइ अगर फेनोरोजोइक में एच हटा दे तो देखो पनीर बन जाएगा पी ए एन ई आर तो फेनारोजोइक को हम इस तरह से याद कर सकते हैं या फिर ये भी याद कर सकते हैं कि पनीर से हमको प्रोटीन मिलता है तो पहला फेनारोजोइ और फिर प्रोटीरोजोइ ठीक है प्रोटेरोजोइक जो भी चलिए ये था कि किस तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं बात करते हैं आगे कि भी आगे सब डिवाइड हुए हैं और बने हैं आर्कियन प्रोटेरोजोइक पैलोजोइक मिजोजोइक और सिनोजोइक ठीक है जो सबसे पुराना है वो हैडन है और हेडन के हम ज्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं तो जितना भी हमारे पास अभी तक स्टडी कर चुके हैं जितना भी हमारे पास अभी स्टडी मटेरियल है और जितना भी हमारे पास रिसर्च मटेरियल है वो आर्कियन पीरियड से शुरू हुआ है मतलब आर्कियन से ही शुरू हुआ है यूनिट बोलूंगा पीरियड तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इनके सब यूनिट्स हैं पीरियड तो आर्कियन यूनिट से शुरू हुआ है तो हम जब भी स्टडी करेंगे आर्कियन यूनिट से शुरू करेंगे और हमने देखा कि जो पेलोजोइक है वो सबसे ओल्ड लाइफ है मिजोजोइक है जो कि मिडिल लाइफ है और सिनोजोइक है जो न्यू लाइफ है जो अभी चल रहा है वो शायद कह सकते हैं एक तरह से वो सिनोजोइक है सिनोजोइक में भी दो पीरियड्स हैं जो के आगे बात करेंगे और अब फिर उसके आगे उसकी बात करेंगे तो अभी जो चल रहा है वो है वो सिनोजोइक चलिए अब बात करते हैं की. की, है? इरास से और इरास किससे है होके से पीरियड्स भी बटे हुए हैं जैसे कि इच इज डिवाइडेड इनटू इवन मोर स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कॉल्ड पीरियड्स और वेरियस जियोलॉजिकल इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद इच पीरियड और इच पीरियड इज अगेन क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट इपोक्स चलिए बात करते हैं पेरोजॉइक के सबसे पहले इरा जो कि सबसे पुराना है उसमें शुरू हुआ था कैम्ब्रियन फिर हुआ ओडोविशियन फिर हुआ सेल्यूरियन फिर हुआ डेवोनियन ठीक है फिर आया कार्बोनिफेरस कार्बोनिफेरस के दो टाइप्स थे एक था मिजीशिपियंस और एक था फिनाइल साइलवेनियंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है बट याद रखना पड़ेगा फिर आते हैं परमियंस परमियंस के बाद पेलोजो एरा खत्म हुआ और फिर चालू हुआ डायनासोर का एरा धीरे धीरे डायनासोर की उत्पत्ति शुरू हुई जिसको हम बोलेंगे एरा ठीक है मिडिल लाइफ शुरू हुआ ट्राइसिक से फिर आया जोरासिक जोरासिक मेजोरासिक पार्क और ये सब आपने मूवी देखी ही होगी और फिर हुआ क्रिस्टिशियस क्रिस्टिशियस में क्या हुआ था कि वो ऊपर से एक रॉक गिरा था और पूरी धरती खत्म हो गई थी जिसके साथ जो डायनासोर थे वो भी एक नया इरा जिसको बोलते हैं क्वाटर और, सेनोजोग में है, और, और जो अभी जो इरा चल रहा है वो सिनोजोइक इरा चल रहा है ठीक है, चल है। आगे चलते हैं टाइम को किस तरह से डिवाइड किया साइंटिस्ट ने कि यहाँ से यहाँ तक यही टाइम रहेगा यहाँ से यहाँ तक टाइम रहेगा तो मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि किसी प्राणी के किसी जीव के किसी भी एनिमल के किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलप होने का और एक्सटेंड होने का पर्टिकुलर टाइम को हमने डिवाइड कर रखा और उस पर्टिकुलर टाइम को हमने एक नाम दे दिया ठीक है एग्जाम्पल बता देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि डायनासोर शुरू कहाँ से हुए थे बनना मतलब डेवलपमेंट उनका कहाँ से शुरू हुआ था तो आप बोलोगे कि बोलोगिक्स है और खत्म कहाँ हुए तो क्रिस्टिशियस है तो मतलब ये पर्टिकुलर पीरियड जो थे उसको हमने एक टाइम डिविजन बता दिया

का डेवलपमेंट हुआ जैसे बैक्टीरिया एल्गी प्रोटोजोआ यहां पर फॉर्म हुआ कौन से पीरियड में कौन से टाइम में नॉट पीरियड प्री कैम्बरियन में ठीक है ओल्डेस्ट रॉक भी यहीं फाउंड हुआ था जो कि 3.5 पॉइंट मिलियन ईयर रेक वाला था किस पीरियड में किस टाइम पे प्री कैम्बरियन में डिवाइड इनटू टू एंड आर्कियन एरा प्री कैम्बरियन क्या है योन है जो कि किस में डिवाइड हुआ प्रोटीरोजोक Pr और आर्कियन एरा में आर्कियन योन की बात कर लेते हैं लास्टेड फ्रॉम फोर फाइव डबल जीरो माया टू टू फाइव डबल जीरो माया अर्लीस्ट प्लांट मराइन एलगी डेवलप्ड जितने भी अर्लीस्ट प्लांट है जैसे जो मराइन एल्गी हैं वो इस एरा में डेवलप हुए थे आर के इन एरा में द फर्स्ट लाइफ बैक्टीरिया कैम इन टू एक्जिस्टेंस थ्री पॉइंट एट बिलियन ईयर है वो पहला बैक्टीरिया एक्सटिट हुआ था और वो लाइव था ठीक है बैक्टीरिया जनरली और द रोग वर फॉर्म इन द तो इसी जो

फॉर्मेशन और ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट ये इवेंट्स परफॉर्म हुए थे कौन से कौन से इरा में प्री कैम्ब्रियन ईरा में प्रोटियोजो से लग रहे हैं प्रोकोरेटिक टाइप हाँ लास्ट फ्रॉम टू फाइव डबल जीरो माया टू फाइव फोर फाइव फोर वन माया मराइन इन्वर्टिड वर्ट प्रोबेबलीमन फ्यू विथ शेल ठीक है मरायन इन्वर्टिब्रेड्स काफी कॉमन हो गए थे डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रहा था उनका और कुछ ऐसे मरवि आ गए थे जिनकी शेल भी थी वर्ल्ड वाइड ग्लेशियस टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस इरा तो ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ यहाँ पर फर्स्ट uh, 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 फर्स्टिक uh, मतलब पाए गए स्नोबॉल फॉर्मेशन मल्टी सेल्यूलर लाइफ और ओजोन स्टेबलाइजेशन ये एक डेवलपमेंट स्केल है प्रोटेर ईन का अब बात करते हैं फेनोरक योन के बिगिन इन फाइव फोर वन माया एंड इस्टिल्यू टूडे आज तक चलते आ रहा है

इन जो ये जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं रेप्टाइल फिशेस विंग्ड इंसेक्ट इनका डेवलपमेंट शुरू हो गया था इरा में ठीक है और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है यूकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पता है ना प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकरेटिकर यूकैरियोटिक मतलब मल्टी सेलोर तो धीरे धीरे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम का फॉर्मेशन शुरू हो गया था ठीक है तो अगर ये देखा नीचे कि अगर धीरे से जो क्या हुआ ऑक्सीजन क्राइसिस होने लग गया था कहाँ पे वाटर मेंबर आई इन इनवर्टिब्रिट्स को तो धीरे धीरे वो कहाँ शिफ्ट होने लगे थे ऊपर मतलब बाहर आने लग गए थे और अगर उस टाइम पर ये बंदा गोली मार देता मज़ा की बात है तो ये वापस अंदर चली जाती और हम शायद बाहर आ ही आ नहीं पाते और अगर हम भी शायद अभी मराइन एनिमल ही होते चलिए मजा की बात है आगे चलते हैं लास्ट रेट फ्रॉम टू फिफ्टी माया टू तो सिक्सटी फाइव माया पॉपुलर नोन एज द एज ऑफ रेप्टाइल्स ठीक है डोमिनेटेड बाय डायनासोर

सिरोजो के जो अभी तक चलते आ रहा है सिक्सटी फाइव मिलियन आएगा टू प्राउंड डे डिड्स टर्शनरी डेवलप एंड मॉडर्न मैमल्स जहाँ हमारा एन एंड थी। ह्यूमंस ठीक है अभी मैमल्स में आते हैं और हमको फर्दर अगर डिवाइड करे जाए तो हम ह्यूमंस बन जाते हैं तो हमारा अभी क्वार्टरनरी में हमारा डेवलपमेंट हुआ और हम अभी भी डेवलप हो रहे हैं ठीक है चाहे वो नेचर के हिसाब से हो हमारा एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो बात करेंगे इस पर काफी लंबा डिस्कशन है डायनासोर एक्सटेंट हुए एज ऑफ मैमल आया प्राइमेट्स हुए ग्रास आई हाँ, मॉडर्न अर्थ हुआ एप्स आए हाँ, स्टोन एज आए होमोशैम्पियन ठीक है और फिर सिटीज का फॉर्मेशन हुआ सिनोजोइक इरा के क्वार्टनरी या टर्शरी पहले हुआ फिर क्वार्टनरी पीरियड में ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ देखो होमनिम एंसेस्टर एक ही एंसेस्टर था जिससे चिमपेंजी भी बना और फिर आगे चलकर होमोशैम्पियन बना इसलिए बोलते हैं कि हमारा होमसिस्टर कौन है चिंपन जी हाँ ठीक है हम मिलते जुलते हैं हमसे बट इसके बाद भी हमारा फर्दर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता गया होता गया और आज हम इस तरह से जैसे हम दिख रहे हैं कांच में जाके देख लीजिए हम इस तरह से दिखते हैं होम ऑफनियन ओ चिंपन जी और ये पूरा जो है आ, कह सकते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन है ये कुछ ऐसे प्रजाति पाई जाती थी अभी तो एक्सटेंड हो चुकी है सबसे लंबा साफ जिसको उसको बोलते हैं टाटा नोबोआ करके कुछ है हेलीकॉप्रियन एक ऐसी फिश थी जो देखो ग्रिल लगा हुआ जिस पे और मैं कहना मैं कहने यूरा करके कुछ फ्लाई थी और सार्को सोरस जो कि एक क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला या उसकी प्रजाति का था जो कि अभी एक्सटेंट हो गए चारों इसलिए मैंने डाले हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नाम है सो यस दिस इज ऑल अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम एंड ऑरजन ऑफ एवोल्यूशन आई होप काफ़ी मज़ा आया होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग था मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपके साथ ये लेक्चर शेयर करने में हो फुली आपको भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बने बायोजोम्स का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब तक लिए दीजिए इजाज़त